दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बिल्कुल नए लाइव स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। इसकी कुछ मैंने वीडियो यूट्यूब पर देखी थी तो लोग बोल रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर OBS स्टूडियो से भी बढ़िया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है मेल्ड स्टूडियो, बिल्कुल हाल ही में ये लॉन्च हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, उस लिंक पर आपको क्लिक करके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। स्ट्रीम विद कॉन्फिडेंस, वी विल हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर 100% फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई वाटरमार्क आपको यहाँ नहीं मिलेगा, साथ ही साथ कोई लिमिट नहीं है, जितनी देर आप चाहो लाइव स्ट्रीमिंग इससे कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ डेमो वगैरह इसका दिया गया है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपने PC पर डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक विंडोज का, दूसरा Mac OS का। अब जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप इसके वर्जन को डाउनलोड कर सकते हो। हमारा विंडोज है तो यहाँ पर हम डाउनलोड फॉर विंडोज पर क्लिक करेंगे। अब ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देख रहे हो यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है, अब इस पर हमें डबल क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ये सॉफ्टवेयर हमारे PC पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें काफी सिंपल इंटरफेस देखने को मिलता है, फाइल का ऑप्शन आ रहा है, एडिट का ऑप्शन, व्यू का ऑप्शन, हेल्प का ऑप्शन है। और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर जो आपका डिस्क स्पेस है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है, और 60 FPS यहाँ पर शो हो रहा है। गो लाइव का बटन है, रिकॉर्ड का बटन है, क्लिप का बटन है, और यहाँ पर आपका आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसमें आप वर्चुअल कैमरा भी ऐड कर सकते हो। साथ ही साथ इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है और सीन्स का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे हम OBS स्टूडियो के अंदर सोर्सेज का यूज करते हैं उसमें आपको सोर्सेज करके आता है, और सोर्सेज को ऐड करने के लिए यहाँ पर लेयर्स का ऑप्शन दिया गया है। प्लस के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना वीडियो कैमरा, वेब कैमरा, वीडियो डिवाइस यहाँ से ऐड कर सकते हो, डिस्प्ले कैप्चर यहाँ से ऐड कर सकते हो, मीडिया सोर्स अगर ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, और ब्राउजर सोर्स का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा डुप्लीकेटर का ऑप्शन भी दिया गया है, किसी भी सोर्स को आप डुप्लीकेट करना चाहो तो डुप्लीकेटर का ऑप्शन भी इसके अंदर दिया गया है। यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन है, कोई टेक्स्ट ऐड करनी है वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना वेब कैमरा ऐड कर लेता हूँ। वीडियो डिवाइसेस पर क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा सिलेक्ट अ डिवाइस। सिलेक्ट डिवाइस में आप अपना वेब कैमरा जो भी है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर C922 Pro स्ट्रीम वेब कैम हमारा शो हो रहा है, इसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो हमारा कैमरा यहाँ पर ऐड हो चुका है, C922 Pro स्ट्रीम वेब कैम। और जैसे ही आप कोई सोर्स यहाँ पर ऐड करते हो उसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे इस साइड एक पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ से आप पूरी सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे वीडियो डिवाइस की सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, आपको इसको क्रॉप करना है जो भी करना है वो सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। ओपेसिटी का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इसकी ओपेसिटी आपको कम या ज़्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे इफेक्ट्स भी देखने मिल जाते हैं, यहाँ पर प्रीसेट्स दिए गए हैं कुछ, जैसे 3D इफेक्ट इस तरह से लगाना हो तो ये आप लगा सकते हो। इस तरह का एक दूसरा इफेक्ट दिया गया है, यहाँ पर आपको इस तरह का इफेक्ट मिल जाएगा, ऐसा इफेक्ट मिल जाएगा, ये इफेक्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैमरे को हम इस तरह से क्रॉप कर सकते हैं, और बिल्कुल सेंटर में रखना हो तो यहाँ पर आप देख रहे हो इस तरह की एक गाइडलाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे आपसे आप इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर सकते। सबसे पहला क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप अपने कैमरे को रेक्टेंगल शेप में दिखाना चाहते हो तो इस तरह से रेक्टेंगल में कर सकते हो। अगर आप सर्कल में दिखाना चाहते हो तो आपका कैमरा कुछ इस तरह से सर्कल के अंदर दिखाई देगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको वर्टिकल में दिखाना है तो इस तरह से आप इसे वर्टिकल में सेट कर सकते हो, और यहाँ से रिफ्रेश करोगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो मैं इसे वापस से यहाँ पर मैं क्रॉप कर दे रहा हूँ। क्रॉप करने का तरीका सबसे बढ़िया जो मैंने आपको बताया ये तरीका है, इसको आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें क्रॉप का ऑप्शन मिलता है, रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, सर्कल का ऑप्शन मिलता है, वर्टिकल का ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर आप इसके कॉर्नर को राउंड शेप में करना चाहो तो वो भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब आप इसे अंदर की तरफ इस तरह से पुल करोगे तो आप अपने हिसाब से इसकी शेप को, इसके कॉर्नर्स को राउंड शेप में कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर इसे राउंड शेप में कर दिया, अब आप देख सकते हो काफी बढ़िया ये देखने में लग रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक और भी कमाल का इफेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख रहे हो प्रीसेट तो हमने यहाँ पर चेक करके देख लिए, इसके बाद एक इफेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है, इफेक्ट्स पर क्लिक करो, उसके बाद प्लस के बटन पर क्लिक करो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बहुत सारे इफेक्ट देखने मिल जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, बज, CC टोनर, क्रोमा की। लेकिन उसमें सबसे अच्छा जो मुझे इफेक्ट लग रहा है वो है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो पर क्लिक करो, अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और उसके बाद आपको इसके आगे जो सेटिंग का बटन आ रहा है इस पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ से हम ड्रॉप शैडो की
सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से शेडो के एंगल को आपको जिस साइड भी रखना है, जैसा रखना है, वो आप यहाँ से शेडो भी इसका चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर इसे सेट करना बहुत ही आसान है। शेडो इफेक्ट काफी अच्छे से यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे हम OBS स्टूडियो के अंदर इसको लगाते हैं तो उसके लिए हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है। अगर हम इसे फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहें तो फुल स्क्रीन पर भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आपको इसके सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप इसको अलाइन कर सकते हो। फिट टू कैनवास पर क्लिक कर दोगे तो ये पूरे स्क्रीन पर आपका आ जाएगा। यहाँ पर हमें इसका ऑडियो मिक्सर देखने को मिल जाता है। जो भी सोर्स आप ऐड करोगे उसका ऑडियो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ऑडियो को सोर्स को आप अलग अलग यहाँ पर एडिट कर सकते हो, एडिट के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आपका वॉल्यूम का बार आ रहा है, यहाँ से आप इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करना वो आप कर सकते हो। एडिट का बटन आ रहा है, एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप मोनो रखना है, स्टीरियो रखना है, वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। लेफ्ट राइट के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना वो कर सकते हो। अगर कोई डिले आपको रखना है डिले यहाँ सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके एक ऑप्शन आ रहा है क्यू का, क्यू वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर आप चाहते हो अपने ऑडियो को मॉनिटर करना, अपने हेडफोन में सुनना, तो आप क्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप इसको मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपका ऑडियो कैसा आ रहा है। इसके अलावा माइक को म्यूट करना हो तो म्यूट पर क्लिक करोगे, आपका माइक यहाँ से म्यूट हो जाएगा। इसके अलावा ऊपर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। ट्रैक का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, प्लस के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको गेन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, गेन पर क्लिक कर दो। इसी तरह से यहाँ पर एक मैजिक माइक का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा स्टीरियो पार्टनर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ से आप इसके गेन को कम ज़्यादा करना हो वो एडजस्ट कर सकते हो। गेन कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। उसके अलावा मैजिक माइक का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर भी लेवल का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरह की सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से आप स्टीरियो को सेट कर सकते हो, लेफ्ट राइट वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, गेन को एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑडियो के फीचर्स हमारे यहाँ पर इस तरह से मिल जाते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में एक और भी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी, वो है इसका ट्रांजिशन इफेक्ट। इसके अंदर मूव ट्रांजिशन इफेक्ट आप इतने आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, बिल्कुल हलवा है। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर ऑटोमेटिकली मूव ट्रांजिशन आपको मिल जाएगा। मूव ट्रांजिशन कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमारा ये वेब कैमरा यहाँ पर ऐड हो रखा है इस सीन के अंदर। अब मैं एक नया सीन क्रिएट करूंगा, प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये सीन वन हमारा यहाँ पर आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, सीन वन के अंदर अब मैं फिर से अपने इसी कैमरे को ऐड कर लेता हूँ। प्लस के बटन पर क्लिक करूंगा, उसके बाद वीडियो डिवाइस पर क्लिक करूंगा और यहां से हम फिर से अपना वेब कैमरा सिलेक्ट करेंगे, C922 Pro स्ट्रीम वेब कैम। इसे मैंने यहां सिलेक्ट कर लिया। सीन नंबर वन के अंदर ये कैमरा ऐड हो गया। मान लो इस कैमरे को मैं बिल्कुल यहां पर छोटा कर देता हूं, इस तरह से यहां पर कॉर्नर पर मैं इसे रख दे रहा हूं, ठीक है। सीन नंबर वन के अंदर हमने वेब कैमरे को इस साइज का कर दिया है और सीन वाला जो हमारा पहला सीन था उसमें हमारा फुल स्क्रीन में हमारा वेब कैमरा हो रखा है। अब कमाल की बात यह है, अब आपको यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मूव ट्रांजिशन अपने आप ही लग गया है। अब मान लो यहाँ से आप सीन को चेंज करोगे, सीन पर क्लिक करो तो आप देखोगे कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो जब हम सीन को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो सीन हमारा इस तरह से यहाँ पर चेंज हो रहा है। मूव ट्रांजिशन के साथ ये सीन यहाँ पर चेंज हो रहा है। मूव ट्रांजिशन सही से काम करे उसके लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो लेयर्स में हम सोर्सेज ऐड कर रहे हैं तो सोर्सेज का नाम आपको सेम ही रखना है। इसे अगर आप चेंज कर दोगे तो मूव ट्रांजिशन काम नहीं करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से मूव ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर इसी तरह से सोर्सेज ऐड करना है, आप अपना कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहो, ब्राउजर सोर्स ऐड करना चाहो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। इसके अलावा डुप्लीकेटर का जो ऑप्शन दिया गया है, डुप्लीकेटर पर आप क्लिक करके किसी भी सोर्स को यहाँ डुप्लीकेट कर सकते हो। डुप्लीकेट सोर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी सोर्स सिलेक्ट कर लो, जो सोर्स आपको डुप्लीकेट करना है, कोई सीन आपको डुप्लीकेट करना है उसे सिलेक्ट करो तो यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा। सीन वन मान लो मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, इसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हो हमारा सीन यहाँ पर डुप्लीकेट हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी सीन को यहाँ डुप्लीकेट कर सकते हो। तो इसे फिलहाल मैं हाइड कर दे रहा हूँ, यहाँ से हाइड कर सकते हैं, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। फाइल का ऑप्शन आ रहा है, फाइल पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको प्रीफरेंसेस का ऑप्शन देखने को मिलता है। प्रीफरेंसेस पर आप क्लिक करो, यहाँ से आप इसकी जनरल सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। सबसे पहले जनरल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग का जो भी आपको आउटपुट है उसे यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, एक साथ कई प्लेटफॉर्म पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले ऐड आउटपुट पर क्लिक करके आप लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कर सकते हो, किस प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव करना है। इसके अलावा यहाँ पर कैनवास सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो, जैसे 1080p पर हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो रखा है। फ्रेम रेट यहाँ सेट कर सकते हो, वीडियो बिटरेट यहाँ से कम ज्यादा करना हो वो आप कर सकते हो, क्वालिटी प्रीसेट वगैरह सब सेट कर सकते हो, ऑडियो बिटरेट ये सब सेटिंग मिल जाती है। इसके अलावा रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया, रिकॉर्डिंग की सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मान लो आपको अपना कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करनी है तो सिंपल यहाँ पर ऐड आउटपुट पर क्लिक करो। इसमें आप देख रहे हो ट्विच, यूट्यूब ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहो डायरेक्ट अपने यूट्यूब से लॉगिन करके या ट्विच से लॉगिन करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है कस्टम RTMP का, कस्टम RTMP पर आप क्लिक करो। यहाँ पर नेम दे रखा है, कोई भी नाम आप इसको दे सकते हो। स्ट्रीम सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको मान लो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब का जो URL है लाइव स्ट्रीमिंग का URL यहाँ पर पेस्ट कर देना, स्ट्रीम की में आपको स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है। अब आपको जाना है अपने YouTube चैनल पर, यहाँ पर एक क्रिएट का बटन आ रहा है, क्रिएट पर क्लिक करना है, गो लाइव पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल ऐड कर देनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल सारी डिटेल यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। तो हमारे YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप हो चुका है। अब आप इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्ट्रीम URL, इस स्ट्रीम URL को आपको कॉपी कर लेना है और वापस जाना है हमारे मेल्ड स्टूडियो पर। हम वापस मेल्ड स्टूडियो पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर URL हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पर स्ट्रीम सर्वर पर यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया YouTube और स्ट्रीम सर्वर में हमने यहाँ URL पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमें चाहिए होगा स्ट्रीम की, तो वापस चलते हैं अपने YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर, वहां से हम स्ट्रीम की भी लेके आते हैं। YouTube के लाइव कंट्रोल रूम में यहाँ पर आप देख रहे हो एक स्ट्रीम की का ऑप्शन दिया गया है, डिफॉल्ट स्ट्रीम की यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, इसे भी हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और वापस जाएंगे मेल्ड स्टूडियो पर। जो स्ट्रीम की अभी हमने कॉपी की थी उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा यूट्यूब की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से आप चाहते हो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी लाइव करना चाहते हो, एक साथ लाइव करना चाहते हो, तो ऐड आउटपुट पर क्लिक करो और उसके अंदर भी इसी तरह से डिटेल आपको एंटर कर देनी है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। जैसे आप इसे सेट करोगे तो यहाँ आप देख रहे हो जो भी आपके आउटपुट होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे यूट्यूब की सेटिंग हमने कर दी थी तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ से आप इसे इनेबल करना हो, डिसेबल करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हो। साथ ही साथ लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करने के लिए सिंपल आपको गो लाइव पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ गो लाइव पर क्लिक करेंगे हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इस साइड आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप इसका बिटरेट देख रहे हो और साथ ही साथ जो टाइम है, ड्यूरेशन है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता रहेगा। और YouTube पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सलेंट कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है, स्ट्रीम हेल्प पर क्लिक करोगे तो एक्सलेंट ये दिखा रहा है, कोई भी लैग वगैरह यहाँ नहीं मिलेगा, काफी स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर हो रही है। तो लाइव स्ट्रीमिंग को अगर आप इस सॉफ्टवेयर से बंद करना चाहो तो यहाँ पर आप देख रहे हो गो ऑफलाइन का ऑप्शन आ रहा है, गो ऑफलाइन पर क्लिक कर दो, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। और अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, रिकॉर्ड पर क्लिक करो, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर क्लिप का ऑप्शन भी दिया गया है, अगर आपको छोटे छोटे क्लिप्स रिकॉर्ड करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्लिप को ऑन कर दोगे तो आपके छोटे छोटे क्लिप्स यहाँ पर ऐड होते रहेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं कि OBS स्टूडियो से बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये। तो भैया ये OBS स्टूडियो के आगे कहीं भी नहीं ठहरता है और OBS स्टूडियो से बेहतरीन सॉफ्टवेयर अभी तक कोई आया ही नहीं है। OBS स्टूडियो के अंदर हमें इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा हमें सीखना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे और आपको सबसे बड़ी कमी इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगी कि आप इसमें स्क्रॉलिंग टेक्स्ट नहीं लगा सकते। तो जैसे कि हम OBS स्टूडियो के अंदर जो चाहे वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन OBS स्टूडियो के अंदर मिल जाते हैं, तो OBS स्टूडियो के सामने ये बिल्कुल बच्चा सॉफ्टवेयर है। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या हमें इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये सॉफ्टवेयर काफी बढ़िया लगा, इसे जरूर हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और खास तौर से जो लोग बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, लाइव स्ट्रीमिंग नया नया स्टार्ट किया है, तो उनके लिए पूरी तरह से वरदान साबित होने वाला है।
क्योंकि इसे इस्तेमाल करना काफी आसान है और इसमें आपको कमाल के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप इससे स्टार्ट कीजिए, ट्राई करके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप इसे इस्तेमाल कीजिए। बाकी अगर आप OBS सीख सकते हो तो OBS भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में या OBS स्टूडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।